से अखबार में या समाचार में पढ़ते और देखते आए कि घुसपैठ जो है सीमा पे हुई, तो ये शब्द आता था। हमारी फिल्म का नाम है घुसपैठिया, और ये घुसपैठ जो है आज के वक्त में जो एक डिजिटल क्रांति है, आज हर किसी के पास स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन में हमारी बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है और डिजिटल घुसपैठ हो रही है। और आपसे बेहतर कौन बताएगा कि लोगों को उन किन चीजों के बारे में अवेयर रहना चाहिए, क्या गलती होती है, तो आपके साथ क्या कुछ हो सकता है। बिकॉज हमें कॉल्स आती हैं बैंक के कम घोटाले करके या अलग अलग तरह की, तो प्लीज सर थोड़ा इसके बारे में हमें बताएं, बिकॉज हमारी फिल्म डिजिटल घुसपैठ के स्पेस में है, एंड आपसे बेहतर कौन बताएगा। देखिए, इसके बारे में मैं यही बोलूंगा कि सबसे पहले तो मैं आपको और आपके डायरेक्टर मिस्टर गणेशन को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि धन्यवाद। उन्होंने एक ऐसा ज्वलंत टॉपिक को चूज किया है जो आजकल बहुत ज्यादा कंटेम्प्रेरी है और सबकी सबके जीवन को छू रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, और जैसा कि है साइबर क्राइम से लड़ने का एक ही तरीका है, वो है जागरूकता फैलाना, क्योंकि ये बाउंड्रीलेस क्राइम है और इसमें कई बार क्रिमिनल्स ये सोचता है कि वो एनोनिमस है, उस तक पकड़ा नहीं जा सकता। परंतु मैं यही बताना चाहूंगा कि डिजिटल क्राइम को भी ट्रैक किया जा सकता है। एक बहुत ही फेमस कहावत है जो कहती है, इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स, इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स। इसलिए हम सभी यंग बच्चों को और सभी इम्प्रेशनेबल माइंड्स को ऐसी हिदायत देते हैं कि इंटरनेट में कभी भी कोई अपनी ऑब्जेक्शनेबल या पर्सनल जानकारी ना डालें, क्योंकि इंटरनेट में कभी भी वो विलुप्त नहीं होगी, किसी ना किसी सर्वर में वो मौजूद रहेगी। और आई थिंक यही आपके फिल्म का भी एक मुख्य विषय है, किस तरह से ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन को किसी को एक्सप्लॉयट करने के लिए, किसी को एक्सटॉर्ट करने के लिए या सेक्स टॉर्शन करने के लिए भी ऐसी इंफॉर्मेशन का मिसयूज किया जा रहा है। तो आज के जैसे आपने बोला डिजिटल घुसपैठ, आज इंडिया में लगभग 80 करोड़ स्मार्टफोन्स हैं, और जो कि विश्व में लगभग अमंगस्ट द हाईएस्ट हैं। 80 करोड़ स्मार्टफोन्स मतलब 80 करोड़ भारतीयों के पास एक सुपर कंप्यूटर अपने पाम में है, और इसमें हमारे कंप्यूटर्स तो मुहैया करा दिया पर उनकी जागरूकता उतनी अच्छी तरह से अभी तक फैल नहीं पाई है, और आपकी मूवी मेरे ख्याल से विल गो अ लॉन्ग वे इन स्प्रेडिंग दिस अवेयरनेस। हमारी फिल्म में मैं मतलब मेरा किरदार जो है थोड़ा स्कैमिंग और स्टॉकिंग करता है, सो आई नो दैट दिस हैपेंस टू अ लॉट ऑफ फीमेल्स अक्रॉस द नेशन, तो वो क्या कर सकती हैं अगर कहीं फंस गई हैं और किसी को बताना है, तो कोई हेल्पलाइन है, कोई कहीं फोन कर सकती हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जैसे किरदारों को ही पता होना चाहिए ऐसे साइबर क्रिमिनल्स को कि ये साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। इट इज अ क्राइम विच कैन लैंड यू इन जेल फॉर मोर देन 7 ईयर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्कैमर्स हैं, जो साइबर स्टॉकर्स हैं, साइबर बुलीज हैं, उनको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि वो एक साइबर क्राइम कमिट कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे क्रिमिनल्स को ये पता नहीं होता है। वो सोचते हैं ये एक बहुत मजाक का विषय है, या उनको परवर्टेड प्लेजर दे रहा है, या एक तरह का आनंद दे रहा है, और इसमें कोई लीगल इम्प्लीकेशन नहीं। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि ऐसे डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट ने बनाए जो सिर्फ इसी क्राइम करने वाले लोगों को रोकने के लिए सक्षम है। दूसरी बात, बहुत सारी लड़कियां स्टिग्मा या शर्म की वजह से ये क्राइम रिपोर्ट नहीं करते हमारे पास, जिससे कि साइबर क्रिमिनल्स के सर दैट इज द मेन रीजन सर एक्चुअली व्हाट वी हैव स्टार्टेड इन दिस फिल्म वी क्रिएटेड ऑन हैशटैग माय घुसपैठिया स्टोरी। द प्रॉब्लम इज द पीपल हु आर जस्ट फेसिंग दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम दे डोंट हैव अ मेंटल करेज टू कम आउट एंड से एक्चुअली आर जस्ट स्पेयर दैट आई मीन शेयर दैट इंफॉर्मेशन विद देयर ओन relatives. So what is that stopping them, or whether the social stigma or the fear, which one stops, or what is the way to just bring them out from that stigma? See, that is what we call in our cyber crime world destigmatization of crime. That means the stigma has to be removed from this crime. For instance, in physical world, if a dacoity is committed, nobody feels shy for reporting it. Because the victim is given lot of comfort, the victim is given lot of assurances and mental peace. Same is the case, we are being attuned, we are being trained, the police is being trained to give this kind of mental comfort and peace to the victims of cyber crime as well, and to destigmatize the crime.
आपने जो हैशटैग चलाया है ये बहुत ही अच्छी पहल है आपकी, जिससे कि डिस्टिग्मेटाइजेशन या शर्म को क्राइम से हटाने की मुहिम है उसमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और मैं सभी वैसे विक्टिम्स को, सभी ऐसी बच्चियों को या इवन मेल्स, आजकल मेल्स के साथ भी सेक्सटॉर्शन हो रहा है, उन सब को मैं ये हिदायत देना चाहूंगा, ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप बिना कोई शर्म के पुलिस को ये क्राइम रिपोर्ट कीजिए। जैसा आपने पूछा ऐसी कोई हेल्पलाइन है, जी हाँ, हम एक हेल्पलाइन चला रहे हैं, 1930 उसका नंबर है, 1930, आप तुरंत उसमें कंप्लेन कीजिए, हम आईपी एड्रेसेस ट्रेस करेंगे, सर्वर्स ट्रेस करेंगे और क्राइम और क्रिमिनल की तहत तक जरूर पहुंच पाएंगे। और इस साल मैं आपको बताऊं, कम से कम 51 केसेस ऐसे हमारे पास आए हैं जिसमें हमने बच्चियों की जान बचाई है, उनके अंदर सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे लेकिन उन्होंने करेज करके, मेंटल करेज डेवलप किया और दे अप्रोच्ड अस एंड वी कुड यू नो परावृत करने में हम सफल हो पाए उनको सुसाइडल थॉट्स से। और उन्होंने उसके बाद कंप्लेंस भी रजिस्टर कराई और ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल्स अरेस्ट हुए जो वेल एजुकेटेड हैं, एमबीए कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनको हम इंजीनियरिंग कॉलेज से पकड़ कर लाए। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, बिकॉज यू आर हेडिंग दिस साइबर डिपार्टमेंट एंड ऑल महाराष्ट्र में, और बड़ा राज्य है, आप लोगों को क्या दिक्कतें क्या आती हैं जब इस तरीके के केसेस होते हैं, तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने में, जो मतलब एक कॉमन सिटीजन जो है क्या गलती करता है जिसकी वजह से आप लोग उस केस की जड़ को पकड़ नहीं पाते? देखिए, सबसे पहली बात साइबर क्राइम में है, इट्स अ बाउंड्रीलेस क्राइम। विदेश में भी बैठा व्यक्ति एक साइबर क्राइम कर सकता है किसी भी कंट्री में, क्योंकि सर्वर्स, इंटरनेट सब इंटरकनेक्टेड हैं, अंडर सी केबल्स जा रहे हैं इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए, तो बाउंड्री लेस होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा, लोग फिक्टिशियस अकाउंट्स बनाते हैं, इम्पर्सोनेशन करते हैं और फिशिंग अटैक्स करते हैं। ये क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा। इम्पर्सोनेशन मतलब किसी और की आइडेंटिटी पे अपना अकाउंट बना लेना, किसी और की डीपी चुरा के अपनी डीपी बना के, फिक्टिशियस अकाउंट किसी फर्जी अकाउंट बना लेना। तीसरा है फिशिंग अटैक, मतलब किसी ओरिजिनल वेबसाइट या ओरिजिनल पोर्टल से हूबहू मिलता जुलता अपना अकाउंट बना के ऐसा प्रतीत कराना कि वो ओरिजिनल है। फॉर इंस्टेंस, एक मॉबलैंक की वेबसाइट किसी ने बनाई और नकली पेन बेचना चालू कर दिया मॉबलैंक के, कम रेट पर। 2 साल तक उसका व्यवसाय चलता रहा, बाद में मॉबलैंक को समझ में आया तो उसने हमें कंप्लेन दिया, और मॉबलैंक कंपनी की कंप्लेन में हमने उस फिशिंग वेबसाइट को डाउन कराया, अरेस्ट किया उस पर्सन को। लेकिन 2 साल तक उसने काफी पैसे बना लिए नकली मॉबलैंक पेन बेचकर, और लोगों को पता भी नहीं चला, जो कंज्यूमर्स हैं उनको लगा उनके पास असली पेन है। तो ऐसा बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है वीपीएन टेक्नोलॉजी, जो कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, जिससे लोग अपना आईपी एड्रेस को मास्क कर लेते हैं या छिपा लेते हैं। डिजिटल वर्ल्ड में या इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे में जैसे कि सेल फोन्स होते हैं, वैसे आईपी एड्रेसेस होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस, जिससे कि व्यक्ति की पहचान हो सकती है, किस व्यक्ति ने ये कमेंट पोस्ट किया है, किस व्यक्ति ने इस तरह की चैटिंग की है इत्यादि। उस आईपी एड्रेस के ऊपर वो मास्क लगा लेते हैं थ्रू वीपीएन टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो उस तक पहुंचना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमको वीपीएन से भी पूछना पड़ता है कि ये मास्क किसने लगाया, और वो वीपीएन किसी दूसरे कंट्री जैसे ईरान या पाकिस्तान में बैठा हुआ व्यक्ति चला रहा है, तो उससे इंफॉर्मेशन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, इन सब चीजों की वजह से। लेकिन साथ ही साथ मैं कहूंगा कि इंटरनेट क्राइम या साइबर क्राइम सबसे आसान भी है डिटेक्ट करना, क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट्स कभी भी किसी सर्वर से मिटती नहीं है, वो डिजिटल फुटप्रिंट्स हमेशा मौजूद रहती है। आप अगर फिजिकल क्राइम करें तो हो सकता है फिंगरप्रिंट्स मिट जाए, हो सकता है व्यक्ति की पहचान लोगों के दिमाग से इरेज हो जाए, लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट्स वैसी की वैसी हमें किसी ना किसी सर्वर में, विश्व के सर्वर में मौजूद रहती हैं, और उनसे क्राइम कभी भी डिटेक्ट किया जा सकता है। वो हमेशा रहेगा। सर, आरबीआई को कुछ एक्शन लेना चाहिए, जैसे इन लोन ऐप्स को या इनको बंद किया जाए जिससे ये क्राइम कुछ कम हो पाए। जी हाँ, ये एक्शन लिया जा रहा है। लोन ऐप्स पे हमने कई चाइनीज नेशनल्स तक को अरेस्ट किया है, और दूसरी बात हम आपको ये बता दें कि काफी सारी लोन ऐप्स को हमने मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम से बोलकर बंद भी करवाया, लेकिन ये एक मशरूम की तरह है, हमेशा नई नई वेबसाइट्स आती रहेंगी। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है लोगों को अवेयर बनाया जाए कि जीरो इंटरेस्ट पे आपको कोई भी बेवकूफ आदमी नहीं है जो आपको लोन देने के लिए तैयार है बिना आपके कोई कोलेटरल के। तो आदमी को अपनी ग्रीड को कंट्रोल रखना चाहिए। ग्रीड एंड फियर आर टू इमोशंस विच आर
utilized, exploited on the internet. Also, cinema samaj ka aaina. Kya lagta hai ye film impact karegi logon tak pahunchegi to zyada asar de sakti. मैं आपको ये बताऊं कि स्क्रिप्ट राइटर्स अभी अभी साइबर क्राइम वर्ल्ड से ज्यादा फैमिलियर हुए नहीं है, वरना उनको ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट्स मिलेंगी जो नॉर्मल स्क्रिप्ट्स से बहुत बेहतरीन होंगी, बहुत इंटरेस्टिंग होंगी, बहुत सस्पेंस होगा उसमें, बहुत ज्यादा एक्शन होगा, सब कुछ होगा. साइबर क्राइम में रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं प्रतिदिन, जो कि एक बहुत बड़ी इसमें एक फिल्म बन सकती है, बहुत बेहतरीन फिल्म बन सकती है उसमें. You have possibility for sequel. Part two. Sorry, I interrupted. I'm very sorry. I want to know one more thing, because मैं ऐसा देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला, fictitious accounts बनाते हैं, उनकी identity कुछ और है, लेकिन वो social networking platform पे किसी और नाम से या किसी और की photos लगा के अपनी identity बनाते हैं, जो बहुत सारे trollers भी हैं ऐसे. ये क्राइम की श्रेणी में आता है? जी हाँ, ये क्राइम है अंडर सेक्शन 66D ऑफ आईटी एक्ट, विच इज इम्पर्सोनेशन. इम्पर्सोनेशन मींस किसी और की आइडेंटिटी से आपने अपना अकाउंट बनाया. तो ये एक बहुत आश्चर्य की बात है, लोगों को पता ही नहीं है ये क्राइम. अगर इसके बारे में लोग रिपोर्ट करें, FIR दर्ज कराएं, तो उस आदमी को अरेस्ट भी किया जा सकता है. तो अगर कोई आदमी किसी यूं ही किसी नाम XY रैंडम किसी का नाम डाल के, कुछ भी पहाड़ और पत्थर की फोटो डाल के, और उस आईडी से किसी को परेशान कर रहा है, तो ये क्राइम की श्रेणी में आता है. बिल्कुल आता है, अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. आपने डीस्टिग्मेटाइज्ड वाली बात शेयर की थी, व्हाट कैन वी डू टू सॉर्ट ऑफ हेल्प दैट. मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है कि लोग घबरा जाते हैं, मैं किसी को ना बताऊं, किसी को ना पता चले, ब्लेम खुद पे लेते हैं. व्हाट कैन वी डू एज सिटीजंस टू हेल्प? Not as citizens, you are a celebrity, you are a star, you have worked in movies. तो आपकी बातें जो public है वो ज़्यादा सुनती है. जो netizens हैं उनके impressionable minds में आप एक अच्छा positive impression create कर सकते हैं by using your good offices, by your reputation as a star or a movie star or as a actor. तो अगर आप इसको use करके brand ambassadors बने for creating awareness, और जागरूकता फैलाने के लिए. अगर साइबर क्राइम के बारे में जागरूकता फैल गई तो मैं आपको ये बता सकता हूँ 80% साइबर क्राइम तुरंत कम हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, आजकल एक बहुत फेमस साइबर क्राइम चल रहा है, फेडएक्स स्कैम्स, जिसमें आपको एक ऐसा मैसेज आएगा कि आपका कुरियर पकड़ा गया है जिसमें ड्रग्स थे और आपका ये आधार कार्ड है, इसने आपने ही बुक किया. आप ये कहेंगे हमने बुक ही नहीं किया. उसके बाद वो स्काइप वीडियो कॉल में आ जाएंगे और उसमें एक पुलिस की वर्दी पहना एक ऑफिसर रहेगा, उसको आपको मैजिस्ट्रेट का वारंट दिखाएगा, अरेस्ट वारंट, देखिए आपके खिलाफ इश्यू हो गया, सब नकली. और इसको फेडएक्स स्कैम कहते हैं, और इसमें लोगों ने करोड़ों रुपए अपने दिए हैं ताकि उनकी अरेस्ट ना हो सके. इसी को डिजिटल अरेस्ट भी कहा जाता है. वो पुलिस ऑफिसर नकली पुलिस ऑफिसर है, वो उनको बताएगा कि आप अपने घर से बाहर निकले तो तुरंत पुलिस आ जाएगी, आपको अरेस्ट कर लेगी, इसलिए आप घर में ही रहिए और हमारे साथ लगातार बात करते रहिए. फिर उनसे पैसे एक्सट्रॉट किए जाते हैं और बहुत सारे वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड, वेल वेरी वेल अवेयर ऑफ द वर्ल्ड ऐसे सिटीजन्स ने भी अपने करोड़ों रुपए ऐसे स्कैमस्टर्स के हाथों गंवाए हैं. उसके बाद वो रोते हुए हमारे पास आए. बहुत सारे केसेस हम डिटेक्ट कर पाए, लेकिन बहुत सारे केसेस हम नहीं डिटेक्ट कर पाए. इसमें एक अवेयरनेस अगर लोगों में फैल जाए कि कभी भी पुलिस स्काइप पे वीडियो कॉल नहीं करती है या कभी भी डिजिटल अकाउंट्स में पैसे नहीं मांगती है, और डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान किसी लॉ में नहीं है, किसी सेक्शन में नहीं है, तो अगर कोई आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो स्कैमस्टर है. ऐसे हम आपको रोज स्टोरीज दे सकते हैं. एक सीनियर सिटीजन ने 2.3 करोड़ रुपीज अपने बेटे के अरेस्ट करने के डर से. ना कोई भी पेरेंट होगा वो. अब मैं आपको बताऊं, एक मैं लेक्चर दे रहा था, उसमें मैंने कहा डोमिनो पिज्जा का डेटा पूरा स्कैमस्टर ने अभी चुरा लिया ऑल ओवर इंडिया का, और उसको डार्क नेट में बेचने के लिए रखती है. तो एक ऑडियंस में से क्वेश्चन पूछा एक ने, सर पिज्जा का ही तो डेटा है, क्या फर्क पड़ता है कौन कितने पिज्जा खा रहा है, कौन फार्म हाउस पिज्जा खा रहा है, कौन वेज एक्स्ट्रावेगेंजा खा रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो फिर हमने कहा ये आपकी अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि इसके साथ साथ उस पिज्जा डेटा में उनके बैंक अकाउंट्स, उनके क्रेडिट कार्ड नंबर, उनके पिन नंबर्स, उनका फिजिकल एड्रेस, फिजिकल मोबाइल नंबर, सब कुछ मौजूद है. और ये गोल्ड माइन है स्कैमस्टर्स के लिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन, बिकॉज डेटा इज द न्यू ऑयल. सर ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, ये ज्यादातर यंगस्टर्स से ज्यादा
देखिए साइबर क्राइम हैज नाउ बिकम वर्ल्ड्स नंबर वन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट. आपने नार्कोस ड्रग ट्रैफिकिंग की मूवी सुनी होगी जिसमें एस्कोबार वगैरह के बारे में बताया. उन सबको बहुत पीछे छोड़ दिया, वो सब उनके सामने बहुत ही बौने रह गए. साइबर क्राइम $6 trillion की आज इंडस्ट्री है, जो कि मोर देन डबल है इंडिया की इकोनॉमी. इंडिया की पूरी इकोनॉमी जोड़ दी जाए तो भी $2.5 to $3 trillion है. ये $6 trillion को ऑलरेडी वर्ल्ड ओवर क्रॉस कर चुका है. नंबर वन ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट इन द वर्ल्ड. तो बहुत सारे ऐसे गैंग्स हैं जो इसको अपने प्रोफेशनली चला रहे हैं. फ्राइडे को आप देखेंगे उन्होंने एक साइबर क्राइम या एक वायरस इंट्रोड्यूस किया, फिर जाके मंडे को देखते हैं क्योंकि सैटरडे संडे उनको भी छुट्टी मिलती है. तो इस तरह की एक इंडस्ट्री चल रही है. इस इंडस्ट्री को रोकने के लिए अवेयरनेस इज द बेस्ट वेपन. What do you think that this is the, because 20 years back, this crime was not there in the listed crimes. Mm. So it's a new crime in this 20 years. So what could be the future in another 5-6 years, how we have to prepare to face this? It's like what you said, no, it's a threat. It's a threat of this century, biggest threat. How we should be prepared for this? So the best way to tackle technology crime is technology itself. That means we have to upgrade our act. We have to upgrade our technologies. इसीलिए हम महाराष्ट्र साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसमें वर्ल्ड के सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर जो कि क्राइम को रोक सकते हैं, जिनको हम टूल्स बोलते हैं, टूल्स टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, एक ही छत के अंदर हम ला रहे हैं. इसराइल से हमने सोर्स किए हैं, US से, जर्मनी से, हर जगह से सोर्स किए हैं. इसी के साथ साथ हम 150 साइबर एक्सपर्ट्स को भी हायर कर रहे हैं, क्योंकि हम पुलिस वाले IPS ऑफिसर्स या पुलिस, वी आर जनरल पुलिसमैन. आज हम यहाँ पे, कल ट्रैफिक में हो सकते हैं, परसों नार्कोटिक्स में हो सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं. तो लेकिन 150 ऐसा मैन पावर रहेगा जो हमेशा साइबर फील्ड में रहेगा और वो ऐसे क्राइम्स को डिटेक्ट करने में एक्सपर्टीज करेगा. लेकिन ये सब करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आप जैसे फिल्म मेकर्स और फिल्में बनाएं, लोगों को अवेयर करें और लोगों को बताएं कि एक नया मोडस ऑपरेंडी हर दिन साइबर फील्ड में आता है. तो वो नया मोडस ऑपरेंडी को रोकने के लिए बहुत सारे टेलटेल साइंस होते हैं, वो मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज, पोस्टर्स, एडवाइजरीज के थ्रू हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं. शुरुआती दौर में है, तो आपको क्या लगता है ये किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा? ये जैसा अभी आपने बताया, हमें तो पता ही नहीं था कि $6 trillion का सिंडिकेट है, तो ये कितना खतरनाक है और कितना सहयोगी होगा आपके लिए? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ न्यू टेक्नोलॉजी. कोई भी नई टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है उसके प्रॉस भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं. तो हमें ये देखना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी बहुत सारी तरह से अपनी ह्यूमन एग्जिस्टेंस को मोर कन्वीनियंट या कंफर्टेबल बनाएगा. वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज ड्राइवरलेस कार्स. आज से 2 साल बाद आप इंडिया में ड्राइवरलेस कार्स देखेंगे, ड्राइवर की जरूरत नहीं, कार्स अपने आप अपना रूट में GPS के द्वारा चलेंगे. थोड़े दिन बाद आप ड्रोन्स देखेंगे जो आदमी बैठ जाएगा, उड़कर दूसरी जगह पहुंच जाएगा. दीज आर कॉल्ड ड्राइवरलेस ड्रोन्स. तो ये सब टेक्नोलॉजी बहुत दूर नहीं है, इनका ऑलरेडी ट्रायल्स हो रहा है 1-2 साल में. ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है. परंतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर गलत हाथों पर पड़ जाए तो इट कैन हैव डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, डीप फेक एंड डीप न्यूड टेक्नोलॉजी. डीप वर्ड का होता है डीप लर्निंग. डीप वर्ड का मतलब है डीप लर्निंग, मतलब कंप्यूटर को भी लर्न कराया जाता है और उससे आपका एक नॉर्मल वीडियो को हम किसी भी तरह का वीडियो बना सकते हैं, न्यूड भी बना सकते हैं, हम आपको कोई कृत्य करते हुए दिखा सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत. यहां तक कि आपको ऐसे वर्ड्स बोलते हुए दिखा सकते हैं जो आपने कभी बोले ही नहीं. अभी रणवीर सिंह हमारे ऑफिस में आया, उसको दिखाएगा BJP के खिलाफ बहुत सारी स्पीचेस दे रहा है, जिसने कहा मैंने तो ऐसी कभी स्पीचेस ही भी नहीं दी. तो उनके फादर के कहने पर हमने एक FIR रजिस्टर की और उस व्यक्ति जिसने वो वीडियोस बनाए थे उनको अरेस्ट किया. थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा रश्मिका मंदाना का एक डीप न्यूड वीडियो आया जिससे उनकी रेपुटेशन की, उनको काफी एम्बैरेसमेंट हुआ. वो केस भी हमने
हैंडल किया। तो इस तरह से डीप न्यू डीप फेक टेक्नोलॉजीज लगातार चेंज होती जा रही है। जस्ट वन मिनट, यूएस कॉन्सल जनरल से फोन। My perspective is something more about that thing, and how can the, you know, the cybersecurity can help in that particular campaign? Yeah, that is what. Actually, just I seek support in the sense. See, basically, I am going to ask that question only. How the government is having some counseling, because in this my perspective story is like to, we created the platform because the people who are suffered this, they should come out and speak about that crap. So, Sam, I'm going to ask you that, sir. Yeah. The, in our system, do you have any counseling? Is there to support this kind of, you know, people who are little, you know, conservative about it, or they will suppress themselves? Is there any medium or somebody they can approach our department for the counseling? Yeah, there is. We have tied up a few NGOs who have come voluntarily to us. Okay. And we have given them different helpline numbers. So any victim can contact them before contacting the police, because they are a little hesitant to contact the police. So it is like a sisterly or a brotherly approach through these NGOs. And they have trained psychotherapists, psychologists, and you know, doctors in their roles, who advise these young men or women who are victim of these cyberbullying not to take any drastic steps, follow the legal course, and most of the times they are able to convince the young people to destigmatize the crime as well, and report it to the police if needed. Okay, the amount of the people who are coming to police, whether it's that there is a growth or still the awareness, it's growing exponentially, because the cyber crime prevalence rate is itself growing exponentially. Okay. So maybe slowly, gradually, you will see that people are not afraid to come to police. आपने बड़ी अच्छी चीज बोली सर, कि अगर डकैती होती है या चोरी होती है तो कोई उसमें अशेम नहीं फील करता, इवन लोग आते हैं और देखते हैं और हेल्प करते हैं कि भाई ऐसा हो गया, इवन दूसरों के घर से खाना वाना बन के उस घर में आता है। लेकिन यहाँ जब कोई चीज होती है, बहुत लंबे समय तक विक्टिम उसे छिपाने की कोशिश करता है, तो इसकी जरूरत नहीं। अच्छा सर, ये पुलिस स्टेशन में जैसे नॉर्मली कोई क्राइम होता है तो लोग जाते हैं, एफआईआर करते हैं, तो क्या हर पुलिस स्टेशन में साइबर यूनिट है, या किसी सर्टेन जो आपने नंबर बताया 1930 डायरेक्ट उनको अप्रोच करना चाहिए, या पुलिस स्टेशन पे अप्रोच करना चाहिए? देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में सरकार ने 51 साइबर पुलिस स्टेशन एस्टैब्लिश किए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक साइबर पुलिस स्टेशन जरूर है। मुंबई में ऐसे 5 साइबर पुलिस स्टेशन है, और अगर हमारा इस ये ऑफिस को भी एक पुलिस स्टेशन में का दर्जा दिया गया है तो 6 पुलिस स्टेशन मुंबई अकेले में हो गए हैं। तो इसका मतलब धीरे धीरे साइबर फैसिलिटीज या साइबर रिड्रेसल ग्रीवेंस का मैकेनिज्म बढ़ता जा रहा है, ये एक खास बात है। दूसरा ये मैं बताना चाहूंगा कि यदि किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत अपने नजदीकी साइबर पुलिस स्टेशन के पास जाएं और रिपोर्ट करें। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो हमारी 1930 हेल्पलाइन है, उसमें आप टेलीफोनिकली इंफॉर्म करें। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो हमारा एक पोर्टल है, महाराष्ट्र साइबर क्राइम .gov.in, जो कि एक ऑफिशियल पोर्टल है, क्योंकि इसमें सफिक्स है gov.in, जो कि एक ऑफिशियल पोर्टल का निशानी होती है। तो आप उसमें अपनी कंप्लेन लिख दें, हमारे इन्वेस्टिगेटर्स, हमारे डिटेक्टिव्स, हमारे पुलिस ऑफिसर्स, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स उसके बारे में अध्ययन करेंगे और आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच सर। हमारी फिल्म है घुसपैठिया, जो 9th August को थिएटर्स में रिलीज हो रही है, तो हम लोग चाहते हैं कि एक बार आप लोग किस तरीके से, आपकी पूरी टीम यहाँ पे कैसे काम करते हैं, हम लोग थोड़ा देखना भी चाहते हैं। ठीक है, घुसपैठिया के लिए मेरे आपको सभी को शुभकामनाएं, और मैं चाहूंगा ऐसी फिल्में साइबर क्राइम पे और बने जिसमें